तो ये देखिए हमारा पोई का पत्ता का पकौड़ा बन के तैयार है फ्रेंड्स, बिल्कुल क्रंचीनेस और अंदर से सॉफ्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पोई के पत्ते के पकौड़े, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पोई के पत्ते का पकौड़ा बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने 4 से 5 बड़े साइज़ का पत्ता लिया है पोई का, और उसके पत्ते को अच्छे से निकाल लिया है, उसका बीच के डंठल बिल्कुल अलग कर दिया है, केवल पत्ता ही लेंगे। और प्याज हमने 2 मीडियम साइज़ का बिल्कुल लंबे लंबे पीसेस में काटे हैं, और 2 हरी मिर्च को बारीक बारीक हमने काटा है। बेसन हमने 50 ग्राम के आसपास लिया है, और ये भीगा हुआ काला चना जो है ये भी हमने 50 ग्राम के आसपास लिया है, भीगने के बाद का वेट है, ये देसी चना है। और मसाले में हमने 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और उसी मात्रा में ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर हमने लिया है। अब इन सबको हम एक बॉल में मिलाएंगे। तो ये हमारा फ्रेंड्स पोई को हम लोग पोइया भी बोलते हैं हम लोग अपने क्षेत्रीय भाषा में, तो आप जिस भी भाषा का प्रयोग करते हो वो खुद समझ जाएंगे। तो बॉल में हमने पोई के पत्ते और देसी चना, प्याज, हरी मिर्च का कटा हुआ भाग सब इसमें डाल रहे हैं, और ये मसाले इसमें ऐड करेंगे, और नमक अपने आवश्यकता अनुसार ऐड कर लेंगे। और 1/2 चम्मच में हमने अजवाइन और मंगरेला का प्रयोग किया है, दोनों मिला के 1/2 चम्मच, छोटी 1/2 चम्मच। और ये बेसन हमने थोड़ी थोड़ी करके इसे मिलाएंगे, क्योंकि बेसन हमें ज़्यादा नहीं रखनी, ज़्यादा रखेंगे फिर उसका क्रंचीनेस ख़त्म हो जाएगा। और इसमें पानी बिल्कुल ही नहीं डालेंगे, इसे धीरे धीरे हाथों से मैश करेंगे। तो ये देखिए हमारा इस प्रकार का तैयार हुआ है ये डो, लेकिन इसमें बेसन और थोड़ी सी देंगे हम, क्योंकि बेसन इसमें कम लग रहा है। तो बेसन इसमें फ्रेंड्स 50 ग्राम से थोड़ी सी कम लगा है। तो ये देखिए हमारा फाइनली डो तैयार हो गया, हम अब उसको इस प्रकार के शेप में उसे करेंगे, हाथों पे लेके मुट्ठी की मदद से इसे गोल गोल करके हल्का सा प्रेस कर देंगे। आप जैसा चाहें शेप रख सकते हैं इसका, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें तेल ऐड करेंगे, और बारी बारी से हम सारे पोई के पत्ते के पकौड़ों को डालेंगे। और इसे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो ये देखिए हमारा एक तरफ हल्का सा सिक चुका है, अब इसे बारी बारी से हम इसे पलट देंगे, बिल्कुल लो टू मीडियम पे पकाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से पकेगा, क्योंकि इसमें देसी चना और प्याज का मिश्रण है, तो ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगेगा। तो बारी बारी से हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे, और इसे पलटते रहेंगे। तो ये देखिए हमारा फाइनली ये पोई के पत्ते का पकौड़ा बनके तैयार है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए आपको देखने में ही लग रहा हो बहुत क्रंची, ये देखिए बिल्कुल क्रंची है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारा गर्मा गर्म पोई के पत्ते के पकोड़े। तो हमने इसे टमाटो केचप के साथ इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग की है, आप चाहे तो इसे हरी धनिया चटनी के साथ भी खा सकते हैं, या टमाटो केचप के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं आप।
तो गार्निशिंग से थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। तो कैसी लगी ये रेसिपी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर एक बार ट्राई करें, उसके बाद हमें कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।